नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर का चौथा लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर जोन ऑफ इंडिया, मतलब कि उद्यान विज्ञान की फसलों की खेती करने के लिए भारत को कितने जोन में बांटा गया है। ऐसा क्यों है कि एप्पल की खेती उत्तर प्रदेश में नहीं होती और आम की खेती जम्मू कश्मीर में नहीं होती, या अमरूद की खेती जम्मू कश्मीर में नहीं होती, नारियल की खेती उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं होती, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम आज के लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो क्या कह रहा है, हॉर्टिकल्चरल जोन ऑफ इंडिया, मतलब भारत में हार्टिकल्चर के कितने जोन में डिवाइड करके हम अध्ययन करते हैं। फिर देखो क्या कह रहा है, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज बेस्ट वुड विथ ए ग्रेट वेराइटी ऑफ क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशन। जो भारतीय उपमहाद्वीप है, जो भारत का उपमहाद्वीप है या भारतीय प्रायद्वीप है, ये मुख्यतः जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा भिन्नता है, बहुत ज़्यादा क्लाइमेट में और सॉइल के कंडीशन में बहुत ज़्यादा भिन्नता है। जैसे अभी आप महाराष्ट्र चले जाएं तो वहाँ पे बिल्कुल क्ले मिट्टी मिलेगी, बिल्कुल चिकनी मिट्टी मिलेगी। राजस्थान चले जाएं तो वहाँ बलुई मिट्टी मिलेगी, ठीक। और अगर अगर आप अभी पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाएं तो वहाँ पे पथरीली मिट्टी, कंकड़ीली मिट्टी मिलेगी। तमिलनाडु चले जाएं, वहाँ लाल मिट्टी मिलेगी। यूपी में चले आओ तो यहाँ दोमट मिट्टी मिलेगी, समझ गए। तो ऐसे हर जगह पे मिट्टी अलग अलग मिलती है और क्लाइमेट भी अलग अलग मिलता है। अभी पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाओ तो वहाँ टेम्परेट क्लाइमेट मिलेगा, और अगर अभी यूपी या मध्य प्रदेश या सेंट्रल इंडिया में रहो तो यहाँ पे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलेगा। और अभी किनारे वाले जो कोस्टल एरिया हैं, भारत के जो किनारे किनारे समुद्र के किनारे वाले जो राज्य हैं, वहाँ चले जाओ तो हमको ट्रॉपिकल कंडीशन के क्लाइमेट मिलेगी। तो ये भारत में क्लाइमेट में बहुत भिन्नता है, इसीलिए भारत को महान कहा जाता है। और भारत में लगभग सभी प्रकार की फसलें जो हैं वो उगाई जा सकती हैं, चाहे वो ठंडे क्षेत्र की हो, गर्म क्षेत्र की हो, या किसी भी क्षेत्र की जो क्रॉप है वो उगाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट में भिन्नता बहुत ज़्यादा है। तो भिन्नता की वजह से ही हम हर प्रकार की क्रॉप को उगा सकते हैं। अब देखो, ब्रॉडली द कंट्री कैन बी डिवाइड, मतलब मुख्य रूप से देश को डिवाइड किया जा सकता है ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में। मुख्यतः भारत का जो जो जोन है, हॉर्टिकल्चरल जोन है, इसको तीन भागों में मुख्यतया बांटा जाता है। नंबर एक ट्रॉपिकल, नंबर दो सब ट्रॉपिकल, नंबर तीन टेम्परेट। इन्हीं तीन भागों में इसको हम मुख्यतया बांटकर अध्ययन करते हैं। फिर इन जो तीनों, जो ये तीनों हैं, इसमें से हर एक में कई कैटेगरी है, व्हिच कैन विथ ईच ब्रॉड कैटेगरी, विथ ईच ब्रॉड कैटेगरी का मतलब, जैसे मान लो हम ट्रॉपिकल ले लें तो ट्रॉपिकल को फिर और भी कई भागों में बांटा गया है। देयर आर डिफरेंस ड्यू टू, और ये जो ट्रॉपिकल वाला जो डिफरेंस, जैसे मान लो ट्रॉपिकल हमने ले लिया कि हाँ इतनी जगह में ये ट्रॉपिकल रीजन है, लेकिन अभी इस ट्रॉपिकल रीजन को हम कैसे बांटेंगे? रेनफॉल के आधार पे इतना बांट दिया, ह्यूमिडिटी के आधार पे इतना बांट दिया, एटीट्यूड मतलब कि समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पे इतना बांट दिया, और तमाम पैरामीटर हैं जिसके अनुसार हम इस ट्रॉपिकल को या सब ट्रॉपिकल को या टेम्परेट को आगे फिर डिवाइड करते हैं। एंड कंसिडरिंग द एसोसिएट्स सिक्स डिफरेंट हार्टिकल्चरल जोन, और इसी प्रकार से हम कंसीडर करते हैं कि सिक्स डिफरेंट जोन हार्टिकल्चर के हैव बीन आइडेंटिफाई सो दैट अप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ क्रॉप कैन बी मेड एंड डेवलपमेंट इज प्लान्ड प्लान्ड। अब देखो कह रहा है कि इसी प्रकार से हम जब हार्टिकल्चरल जोन को छह भागों में डिवाइड कर लेते हैं तो हमको पढ़ने में और समझने में और प्लानिंग बनाने में आसानी होती है कि हम आने वाले समय में या किस क्षेत्र में, किस जोन में कौन सी क्रॉप कब उगाएं, ये सब हमें पता चल जाता है। जैसे कि हमें अगर गोभी उगानी है तो हमें सर्दी में उगानी होगी, ठीक। अगर हमें बैंगन उगाना है तो हमें गर्मी में उगाना होगा, ठीक। अगर हमें मटर उगानी है तो हमें ठंडी में उगाना होगा। ये क्लाइमेटिक डिफरेंस होता है, वेदर का डिफरेंस होता है। तो हार्टिकल्चर जोन में हम बांट के इस चीज़ को और आसान बना देते हैं ताकि हमको कायदे से समझ में आता रहे।
आसानी से हम समझ पाएं और किसान आसानी से फसल को बो पाएं। नहीं तो पता चले कि अभी हम यहाँ पे जिसे देखा होगा तुम सबने कि जो अनार होता है पोमग्रेनेट, वो उत्तर प्रदेश में बोते हैं लोग, लेकिन बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। वो पकने के बाद भी सफ़ेद सफ़ेद रहता है, जब उसको हम खाते हैं तो खट्टा स्वाद आता है, मीठा नहीं लगता है। लेकिन जो हमें मार्केट में मिलता है वो बिल्कुल लाल लाल होता है और वो मीठा लगता है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में इसको उगाने की क्लाइमेट नहीं है, लेकिन हम यहाँ उगाते हैं, इसीलिए वो ठीक से उपज नहीं होती है। लीची देख लो, लीची मुजफ्फरपुर बिहार की लीची बड़ी फेमस है। अगर यूपी में हम अभी, हम जब कानपुर में पढ़ते थे तो वहाँ पे लीची का एक गार्डन था, वहाँ पे लीची बहुत होती थी, लेकिन क्या मजाल की कोई खा ले, इतनी खट्टी लीची होती थी कि उसको खाओ तो लगता था कि दांत खराब हो जाए, इतना ज़्यादा खट्टा लगता था। और जबकि जो मुजफ्फरपुर की और वहाँ की लीची आती है वो लीची मीठी होती थी, उसमें खट्टापन कम होता था। तो ये क्यों है, जोन के डिफरेंस की वजह से ही ऐसा होता है। अब देखो जो टेम्परेट ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल को बांटा गया है, अब वो हैं कौन कौन से, उसमें देखते हैं। जो टेम्परेट रीजन है, टेम्परेट रीजन इसको बोलते हैं, यहाँ से लेके ये जो ऊपरी वाले भाग हैं इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट रीजन। जैसे कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का ऊपर वाला भाग, ठीक, और ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, ये सबके जो ऊपरी भाग हैं, ये जो पहाड़ी भाग हैं, इनको हम टेम्परेट रीजन में रखते हैं। फिर अगला क्या है, नॉर्थ वेस्ट सब ट्रॉपिकल। नॉर्थ वेस्ट सब ट्रॉपिकल मतलब कि उत्तर और पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम, ये हो गया उत्तर, इधर हो गया उत्तर और इधर हो गया पश्चिम, यानी कि कौन कौन से, देखो पंजाब सबसे पहला, पंजाब, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान, ठीक, और उसके बाद सेंट्रल, कुछ सेंट्रल उत्तर प्रदेश ये, और उसके बाद मध्य प्रदेश, यानी कि जो इतना भाग है, ध्यान से देखो, जो इतना भाग है यहाँ से ये इतना भाग जो है इसको हम किस में रखते हैं, नॉर्थ वेस्ट सब ट्रॉपिकल में रखते हैं। इसको जो हम रखते हैं, इस भाग को, इसको कहाँ रखते हैं, टेम्परेट रीजन में रखते हैं। अब देखो नॉर्थ ईस्ट सब ट्रॉपिकल, अभी वेस्ट था नॉर्थ वेस्ट, अब नॉर्थ ईस्ट, अब नॉर्थ ईस्ट में इसको रखेंगे। जैसे कौन कौन से, बिहार, झारखंड, आसाम, ठीक, नागालैंड, मणिपुर, तो ये वाले जो क्षेत्र हैं इनको हम किस में रखते हैं, नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं, समझ गए। अब देखो सेंट्रल ट्रॉपिकल, सेंट्रल ट्रॉपिकल मतलब सेंट्रल का मतलब बीच में, इस वाले भाग को हम सेंट्रल ट्रॉपिकल में रखते हैं। जैसे देखो जो साउथ का भाग है, ये वाला भाग साउथ का, ये वाला भाग जो है मध्य प्रदेश का, ये छत्तीसगढ़, थोड़ा सा गुजरात, समझ गए, और महाराष्ट्र, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, यानी कि ये जो इतना क्षेत्र है, इतना क्षेत्र, इस क्षेत्र को हम किस में रखते हैं, इस क्षेत्र को, ऐसे ऐसे इस क्षेत्र को जो हम रखते हैं ये सेंट्रल ट्रॉपिकल में रखते हैं, ऐसे ऐसे चलते हुए, ऐसे ऐसे थोड़ा सा इसको लेके ऐसे, और इसको हम किस में रखते हैं, सेंट्रल ट्रॉपिकल जोन में रखते हैं। फिर अगला है साउदर्न ट्रॉपिकल जोन, ठीक, यानी कि दक्षिणी जो ट्रॉपिकल जोन है, इसमें हम कर्नाटका को रखते हैं, ठीक, ये है आपका कर्नाटका, और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना को रखते हैं, तमिलनाडु को रखते हैं, यानी कि ये वाले जो भाग हैं यहाँ, इतना इतना ये जो भाग है इसको हम किस में रखते हैं, साउदर्न ट्रॉपिकल में रखते हैं। फिर कोस्टल ट्रॉपिकल और ह्यूमिड, इसमें हम क्या रखते हैं, कोंकण, गोवा, केरला, वेस्ट घाट, ईस्टर्न घाट और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, यहाँ से लेके ऐसे ऐसे चलते चले जाओ, ऐसे 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 और यहाँ तक, ये जो किनारे वाले हैं इनको हम किस में रखते हैं, कोस्टल ट्रॉपिकल ह्यूमिड में रखते हैं, समझ गए। ये जो किनारे किनारे वाले भाग हैं इसको, कोस्टल मतलब समुद्री जो किनारे पे है, जो समुद्री किनारे पे भाग हैं इनको हम कोस्टल में रखते हैं, वी शेप के हैं ये। अब देखो क्लाइमेट रिक्वायरमेंट फॉर इम्पॉर्टेंट फ्रूट, जो कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रूट हैं इनके क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट क्या हैं, क्योंकि क्लाइमेट बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी फ्रूट के प्रोडक्शन के लिए, इसीलिए हमको फ्रूट को उत्पादित करने से पहले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि किस क्लाइमेट में कौन सी क्रॉप अच्छे से ग्रो होगी। तो देखो जो मैंगो है, ये मैंगो की जो फसल है ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंडीशन में अधिकतर होती है, ठीक, और जो सिट्रस है यानी कि नींबू है, नींबू
सब ट्रॉपिकल में होती है मुख्यतया, लेकिन इसको ग्रो किया जाता है, टेम्परेट में भी ग्रो कर सकते हैं। मैंगो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों में कर सकते हैं। सिट्रस को सब ट्रॉपिकल मुख्यतया होता है, जैसे भी कभी पूछा जाए सिट्रस कैसी फसल है तो सब ट्रॉपिकल लिखना, लेकिन इसको हम टेम्परेट में भी ग्रो कर सकते हैं। फिर अंगूर को, अंगूर कैसा है, ये टेम्परेट रीजन का क्रॉप है, लेकिन हम इसको सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल इन दोनों में कर सकते हैं। अगर कभी पूछा जाए ग्रेप कौन सी फसल है तो टेम्परेट लगाना, प्रियोरिटी इसको देना, और इसको इसमें इसमें भी किया जा सकता है, यानी कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में भी इसको ग्रो किया जा सकता है। फिर पीच, पीच को किसमें, ये टेम्परेट रीजन की फसल है, लेकिन इसको लो चिलिंग वेराइटी कैन बी ग्रो इन सब ट्रॉपिकल कंडीशन। इसकी जो ठंडी तापमान, जो कम तापमान वाली वेराइटियाँ हैं, इसको हम सॉरी ये जो टेम्परेट रीजन यानी कि सर्द सर्दियों में शीत शीत कटबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है इसको, तो पीच को। लेकिन अगर कुछ ऐसी वेराइटियाँ हैं जो हीट को थोड़ा टॉलरेट कर सकती हैं, हीट को थोड़ा सहन कर सकती हैं, तो इनको हम सब ट्रॉपिकल में उगा सकते हैं, यानी कि पहाड़ों के अलावा हम थोड़े जो सेमी सेमी टाइप के पहाड़ हैं, यानी कि जो थोड़े ज़्यादा ऊंचे क्षेत्र के हैं, वहाँ भी हम इसकी खेती कर सकते हैं। फिर सपोटा, सपोटा मुख्यतः किसे है, ट्रॉपिकल है, लेकिन इसको सब ट्रॉपिकल कंडीशन में भी उगाया जा सकता है। पपाया मुख्य रूप से ट्रॉपिकल है, लेकिन इसको माइल्ड सब ट्रॉपिकल कंडीशन में भी उगाया जा सकता है। बनाना ये भी मुख्यतः ट्रॉपिकल है, परंतु इसको सब ट्रॉपिकल कंडीशन में भी उगाया जा सकता है। आलमंड जो है ये टेम्परेट रीजन की क्रॉप है, लेकिन अगर लो चिलिंग टेम्परेचर है तो इसको हम सब ट्रॉपिकल में भी उगा सकते हैं। इसकी कुछ वेराइटियों को हम सब ट्रॉपिकल में भी उगा सकते हैं। फिर अगला क्या है, एप्पल, ये सबसे नीचे वाला। एप्पल, एप्पल कैसी है, ये टेम्परेट रीजन की क्रॉप है, लेकिन हम इसको अगर थोड़ा टेम्परेट सहन करने वाली कोई वेराइटी है जो थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर तक सह ले जाए, तो उसको हम जो कम ऊंचे हैं, जो थोड़े से कम हिल वाले एरिया हैं, जहाँ पे ऊंचाई थोड़ी कम है, वहाँ पर भी हम इसकी खेती कर सकते हैं। देखो क्लाइमेट में थोड़ी बहुत अगर भिन्नता होगी तो हम क्रॉप को उगा सकते हैं, लेकिन जैसे मान लो कि अभी कोई ट्रॉपिकल रीजन की क्रॉप है उसको टेम्परेट रीजन में उगाओगे तो बिल्कुल नहीं होगी। जैसे मैंगो को अभी लेके चले जाओ लद्दाख में उगाओ, वहाँ कतई नहीं होगी, कुछ भी कर डालो। हाँ ग्रीन हाउस लगा तो दूसरी चीज़ है, लेकिन ऐसे नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगी। ठीक, अब देखो आज के लिए केवल इतना ही। जो हार्टिकल्चरल जोन थे ये मुख्य रूप से इतने ही भागों में बांटे गए हैं, 7-6 भागों में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने जो सुझाव हैं उसको कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आने वाले समय में और भी अच्छे अच्छे वीडियो फ्रिक्वेंटली आप लोगों के लिए लाता रहूं। थैंक यू फॉर द अटेंडिंग माय क्लास। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल सक्सेस विथ स्मार्ट लर्निंग विथ विजय कुमार गिरी। थैंक यू ऑल, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।